बांदा में अन्य जानवरों की समस्या को लेकर जिला अधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण। फुफ्ती गांव में बनाई गई गौशाला में सही तरीके से रखरखाव ना होने की वजह से भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे हैं जानवर, जिनकी समस्याओं को लेकर लगभग आधा दर्जन ग्रामीण जिलाधिकारी बांदा को शिकायत पत्र देकर अपनी समस्या बताई और कहा कि हमारे गांव में बनी हुई गौशाला का सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है। यहां पर जानवर भूख और प्यास के चलते दम तोड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और अगर भूख और प्यास से जानवरों की मौत हो भी जाती है तो उनको ट्रैक्टर में बांधकर घसीटते हुए गौशाला के पीछे फेंक दिया जाता है। बांदा में इन दिनों अन्य जानवरों की समस्याएं दिन ब दिन रोज बढ़ती जा रही है, जिससे भूख और प्यास के चलते रोज जानवर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अन्य जानवरों के मरने का सिलसिला लगातार कायम है। नव भारत समाचार, बांदा, उत्तर प्रदेश से नंदूराम चतुर्वेदी। क्या नाम भैया आपका? रामेश्वर मौर। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पे आए हुए हैं? गौशाला के लिए, गायों की समस्या। क्या समस्या है? सब तो चारा रहता है ना, पानी रहता है। कौन सी गौशाला की समस्या है? किस गांव की? फुफुंदी, ग्राम सभा फुफुंदी। कहाँ पड़ता है ये? ये पड़ता है बबेरू में। हाँ, बबेरू के पास। हाँ, क्या समस्या बताई आपने? चारा नहीं रहता और पानी नहीं रहता, और क्या समस्या था? अब जब जानवर मर जाता है तो उसे ट्रैक्टर से घसीट के फेंक देते, पड़ा रहता है काफ़ी दिनों। ग्राम प्रधान वगैरह ध्यान दे रहे हैं? हाँ, ग्राम प्रधान वगैरह देख रहे हैं। हाँ, ग्राम प्रधान द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई जाती। क्या नाम भैया आपका? रामनरेश तिवारी। किस गांव से आए? फुफनी से आए। क्या समस्या है? गाँव गायों की विशेष समस्या है। क्या समस्या? हमारे गाँव में गौशाला है, वहाँ प्रधान है, सचिव है, किसी प्रकार की वहाँ व्यवस्था नहीं है। गायियाँ मरी पड़ी होती हैं, उसमें कुत्ता खा लेते हैं उसे, और जो गाय बैठान ले जाती है बैठ जाती है उसे जिंदा कुत्ता खा लेते हैं। ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है। हम ग्राम प्रधान से, ग्रामवासियों ने सब लोगों ने कहा, परंतु प्रधान दबंग व्यक्ति है, वो किसी भी सुनाई सुनता नहीं है। सरकार से निवेदन है इसकी समस्या समाधान किया जाए। कहते हैं गौ माता है, गौ माता है, गौ हमारी माता है। हिंदू धर्म में गौ माता है, पर जब उसकी व्यवस्था कुछ नहीं है तो माता किस बात की? तो जानवर मर जाते हैं, फिर उसकी क्या व्यवस्था करते हैं, क्या होता है? ग्राम प्रधान के भाई, छोटा भाई ग्राम प्रधान का, वो जाते हैं ट्रैक्टर से और गायों को बांध लेते हैं गले में रस्सी और घसीटते हुए रोड में ले जाते हैं और वहाँ छींक देते हैं। इससे प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है गाँव में, और बहुत गंदगी फैलाए हुए है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा इसका निवारण किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल, जनसेवक। कहाँ से आए हम लोग? आज बबेरू विधानसभा के ग्राम पंचायत फुफुंदी भदेदू अंतर्गत की समस्याओं को लेके आए हैं, जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं। आइए मैं बता दूं आपको, ग्राम पंचायत फुफुंदी में जो पशुबाड़ा बनाया गया है, शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है कि प्रत्येक गाय को कोई भी भूख और प्यास के कारण न मरे, लेकिन जिम्मेदारों का हाल वो है कि बेहाल किए हैं। खाने पीने की तो दूर की बात, उनको पानी तक की व्यवस्था नहीं है, और यदि कोई जानवर मर भी जाता है भूख प्यास के कारण तो उसको हफ्तों हफ्तों उठाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, अगल बगल के जो रहायशी मकान में रह रहे हैं वो अब चैन से रह नहीं पा रहे हैं। कोरोना नामक महामारी भी चल रही है, इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी नींद से खोल नहीं रहे। मैं शासन से पुनः मांग करता हूँ, प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बिसंडा ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायतों में गौशालाएं हैं, एक नहीं मैं दर्जनों का वीडियो और विजुअल दे सकता हूँ प्रमाण के साथ। जिलाधिकारी महोदय इसको संज्ञान में ले, और यदि संज्ञान में नहीं ले रहे, ऐसे बेरहमी की तरह गाय मर रही हैं और मरी हुई गाय को कुत्ता, बिल्ली, सियार आदि वही पशुवाड़े में खा रहे हैं, नोच नोच के बुरा हाल कर रहे हैं, पूरा कंकाल निकाल देते हैं। जब ग्रामीण, कोई समाज सेवी, मीडिया वहाँ पहुँचती है तो आनन फानन में उसको ट्रैक्टर के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा बेरहमी से घसीटते हुए मेन रोड पर फेंका जा रहा है। इन सब पे रोक लगाया जाए और शासन के अनुरूप कार्य करने की कार्यवाही की जाए। हम लोग इसीलिए जिलाधिकारी महोदय बांदा के पास आए हैं।